कप का आप माप ले सकते हैं। यहाँ पे एक कटोरी हमने बारीक वाला सूजी दिया है, आधा कटोरी चीनी, एक कटोरी थोड़ा ज्यादा दूध, 1/4 कप है या 5 टेबल स्पून देसी घी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। गैस जला दिए हैं और एक कढ़ाई रख दिए हैं। सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे, कढ़ाई में घी डाल देंगे और थोड़ा सा घी बचा लेंगे जिसमें हम बर्फी को जमाएंगे उसके लिए, ग्रीसिंग करने के लिए। घी को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और इसी में डाल देना है और सूजी को ध्यान रखना है कि इसे कम आंच पे भूनना है, इसका बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है। तो इसमें हमें 6-7 मिनट लगता है इसको भूनने में, तो इसको लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। अगर आप ब्राउन बर्फी बनाना चाहते हैं तो आंच तेज करके भी भून सकते हैं, लेकिन हमें व्हाइट बर्फी बनाना है तो इस वजह से हम आंच धीरे करके इसे भूनेंगे। तो सूजी को हमें भूनते 8-9 मिनट हो गया है, तो देख रहे हैं कलर इसका, और यहीं पे हम चीनी डाल देंगे। इसको एक बार मिला के और फिर हम यहाँ पे जितना दूध डालना है हमें उतना डाल देंगे। दूध आप नहीं डालना चाहते हैं तो पानी भी डाल के बना सकते हैं हलवा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे हम दूध डाल देते हैं, तो देख रहे हैं 1 मिनट हुआ है अभी और ये इस तरह का गाढ़ा हो गया है। बस इसमें 1 मिनट से भी कम इसे मिलाना है और ये जमाने के लिए छोड़ देंगे इसको। यहीं पे आपको जो ड्राई फ्रूट डालना है डाल सकते हैं आप, अगर आप अंदर भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, बाहर डालना चाहते हैं तो अंदर के लिए तो अभी डालना है। गैस बंद कर देंगे, थोड़ा सा यहीं पे हम काजू डाल देते हैं और थोड़ा सा बादाम डाल देते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे जिस बर्तन में आप जमाएंगे उसमें डाल दीजिए इसको, जिस ट्रे में हम जमाएंगे उसी में थोड़ा सा घी डाल के और इसको ग्रीस कर देंगे इस तरह से। तब हलवा को निकालेंगे, इसी ग्रीसिंग ट्रे में डाल देंगे, इसी में थोड़ा घी लगा के और इस तरह से आप बराबर कर दीजिए। अब इसे हम रख देते हैं फ्रीजर में, 10-20 मिनट के बाद फिर आपको सर्व करके हम दिखाते हैं। तो हमारा ये सूजी का बर्फी एकदम जम गया है बढ़िया से। तो आपको इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, बर्फी के शेप में, कतली के शेप में। तो हम यहाँ पे कतली के शेप में काट रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया कट गया है, अब इसे निकाल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए किनारे का तो निकल गया है, अब बीच का एकदम बढ़िया पीस निकलेगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ देख रहे हैं ना इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और देखने में लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह सारा बर्फी को हम निकाल देते हैं, तो सारा बर्फी को एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो देख रहे हैं ना हमारा सूजी का बर्फी कितना बढ़िया बना है, और ये सूजी का बर्फी बन के तैयार हो गया है। अपन नारियल का लड्डू बनाने के लिए दो नारियल दिए हैं, छोटा एक बड़ा है। तो इसमें सबसे पहले हम ना इस पे का ऊपर का रेशा होता है इसको हम हटा देते हैं, इतना मोटा मोटा छीलेगा ये। ये देखिए सारे नारियल को छील दिए हैं और एक बार पानी से धो दिए हैं, अब पानी भी निचुड़ गया है बढ़िया से। तो इसको ग्रेट कर देते हैं, तो पतला वाला सही करेंगे, मोटा से भी आप कर सकते हैं लेकिन पतला वाला जल्दी पक जाएगा, जब भूनेंगे तो जल्दी भून जाएगा, इस वजह से पतला से करें। देखिए हम सारा नारियल को ये घिस दिए हैं और इसमें जितना आप टुकड़ा होता है ना उतना ही वेस्ट निकलता है। एक घिसा हुआ नारियल है और जो हम नारियल बाजार से खरीद के लाते हैं वो है, इसका टेस्टी लड्डू नहीं बनेगा जितना इसका बनेगा। बनाने के लिए तो आप इसका ही बना सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा टेस्टी बनाने वाला हूँ। और ये वाला नारियल हर जगह मिल जाता है, लेकिन नारियल का जो बुरादा है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। तो जितना हम पानी दिए हैं उससे 2 गुना चीनी दिए हैं। 2 तार की चाशनी बनानी है, निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है, मतलब इस तरह का हो जाए चाशनी तो आप समझिए कि ये गोल हो जाएगा और ये लड्डू बंध जाएगा, देख रहे हैं ना गोल हो गया ये। तो 3 कटोरी में हमने 1 कप से थोड़ा कमी चीनी डाला है, आधा कप पानी डाला है। अब इसको मिक्स कर देंगे, हैंडल पकड़ेंगे। ये बढ़िया से हम मिक्स कर दिए हैं, लेकिन इसमें से जो थोड़ा मॉइस्चर था वो छोड़ दिया है। इसको बराबर चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तब तक ये मॉइस्चर सूखता नहीं है तब तक हम इसको पका लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें जितना मॉइस्चर था वो खत्म हो गया है। अब देखिए साइड साइड में ये कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसको हम उतार लेते हैं, ठंडा हो गया है हमारा मिक्सचर। तो जाएंगे प्लेट पे, थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इसको बढ़िया से इस तरह से दबाना है, उसके बाद से हल्का हल्का हाथों का शेप दे दे, मतलब इसका इसी तरह से शेप बनेगा। हाथ पे अगर ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये टूट जाता है। देते हैं इस पे, तो
नारियल का लड्डू तो हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए शुरू करते हैं रसगुल्ला बनाना। दूध डाल देते हैं कढ़ाई में। दूध में एक बार खाली खोल आना चाहिए, उसके बाद हम चूल्हे पर से उतार देंगे इसको। इसको चलाते रहेंगे, एक उबाल का इंतजार करेंगे। एक उबाल आएगा तो हम चूल्हे पर से इसको उतार देंगे। तो देखिए दूध हमारा खोलने वाला है। अब पहले ही उबाल आते ही हम दूध को उतार कर रख देंगे और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट ठंडा करेंगे। ये जो दूध हमने उबाल रखा है इसका हम बनाएंगे रसगुल्ला। तो देखिए हमारा दूध उबल गया है, अब इसको हम उतार देते हैं। और यहीं पे हम कुकर दिए हैं। कुकर में हम डालेंगे 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में हम 1/2 किलो चीनी डाल देंगे। आँच एकदम अभी धीरे रखेंगे क्योंकि हमारा दूध ठंडा होगा, उसके बाद इसको फाड़ेंगे तब ना हम रसगुल्ला के लिए लोई तैयार करेंगे। तो जब तक इसको धीरे करके बैठा देते हैं कि आँच भी खाली नहीं जाए बेकार। दूध को 5 मिनट हो गया उतारे हुए चूल्हे से, हमारा कुछ ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे हम 3 चम्मच विनेगर दिए हैं और इसी में 3 चम्मच हम पानी मिला दिए हैं। नींबू से बढ़िया नहीं फट पाता है दूध, इस वजह से हम विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हमारा लग रहा है कि ये फटना शुरू हो गया है दूध, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। इसको 1 मिनट हम चूल्हे पर रख दिए हैं। अब देखिए ये हमारा छेना बिल्कुल ही फट गया है, दूध अलग और पानी अलग हो गया है। अब इसको हम उतार देंगे चूल्हे पर से और दोबारा फिर हम कुकर बैठा देंगे। कुकर हम दोबारा बैठा दिए हैं, तो बढ़िया से हम इसमें से पानी निकाल देंगे। और हमने विनेगर से इसको फाड़ा है तो इसमें थोड़ा हम पानी डाल के ठंडा करेंगे, तो हमारा छेना भी जल्दी ठंडा हो जाएगा और दूसरा जो विनेगर डाले हैं उसकी भी खटास निकल जाएगी। तो इसका पानी हमें निकालना है। इस तरह से कपड़े को बांध के और इस तरह से कहीं से लटका के रख दें। इसी छन्नी के ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रेस आधा 1 किलो कुछ रख के इस तरह से आप रख सकते हैं, तो इसका पानी निकल जाएगा। और कम से कम इसको 10-15 मिनट के बाद मजे जितना पानी निकलना होगा अपने आप निकल जाएगा। तो हम पनीर को देख लेते हैं, 15 मिनट हो गया है और इसमें जो भी पानी होगा उसको हम एक बार निकाल लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का दबाएंगे हल्के हाथों से। देखिए इसमें से पानी बढ़िया से निकल चुका है। इस समय दोनों चीज बन जाता है। इस समय आप पनीर भी बना सकते हैं और छेना बना सकते हैं। तो हमारा छेने का काम है, इसको हम तोड़ देंगे सबसे पहले। तो अब छेना को हम तोड़ देते हैं इस तरह से तोड़ के। अभी हल्का गर्म ही है ये। तोड़ने के बाद अब इसको हथेली से इस तरह से बढ़िया से मिलाना है। इसको मसलते हुए हमें 5 मिनट हो गया है, ये देखिए। इसमें हम 1 छोटा चम्मच एक और ये 2 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे मैदा और इसको हम बढ़िया से मिला दें। ये देखिए हमारा रसगुल्ले के लिए डो बन के तैयार हो गया है। अब इसको देखते हैं कि ये गोल एकदम फाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरह समझेंगे और दोनों हाथों पे हम गोल करेंगे इस तरह से। पहला रसगुल्ला जब आप बनाएंगे तो आपके हाथों में एकदम लगेगा कि ये गोल नहीं होगा, क्योंकि 2-3 बनाने के बाद हाथों में पूरा घी घी हाथ हो जाता है बनाने। ये देखिए आपको दिख रहा है ये स्मूथ नहीं है, क्रेक नजर आ रहा ना आपको। तो इसको थोड़ा सा और मसलेंगे, इसका मतलब कि कम हुआ है ये। एकदम बिल्कुल स्मूथ इसको बनाना है। अब एकदम जो हमारा लोई बना है एकदम स्मूथ बना है, कहीं क्रेक नहीं है। तो इसी तरह से हम सारा रसगुल्ला बना कर रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उबाल आ गया है बढ़िया से और आँच अब तेज रखेंगे, अब आँच धीरे नहीं करेंगे। चाशनी को बढ़िया से खोलना चाहिए। अब इसी में हम एक एक करके रसगुल्लों को डालेंगे। हमें एक बार में सब नहीं डालना है, एक एक करके डालना है। मतलब इसका टेम्परेचर मेंटेन करते रहना, एक एक 2-2 सेकंड रुक रुक के डालना है। सारा रसगुल्ले को डाल दिया है, अब इसको ढक्कन ढक देंगे और इसको 5 मिनट ढक्कन ढक के पकाएंगे तेज आँच। कुकर को हल्का सा गैप रखें, नहीं तो आपका चाशनी ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 5 मिनट होने वाला है। अब आपको हम दिखाते हैं कि रसगुल्ला का साइज कितना बड़ा हुआ है, अंदर देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा गर्म पानी दे दें आप, और ठंडा पानी दें तो हल्का हल्का करके डालें इस तरह से। इस तरह से चारों तरफ से हल्का हल्का पानी डालेंगे, आँच बिल्कुल कम नहीं होने देंगे। अब ये पानी डाल दिए हम, अब फिर इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। रीठा उठा डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसी के झाग बनेगा। अब झाग आपको एक बार दिखा देते हैं। हरदम रसगुल्ले को इस तरह से झाग में डुबा होना चाहिए। देखिए जब इसमें हम ढक देते हैं तो झाग बन जाता है और इसको हटाएंगे तो झाग खत्म हो जाता है। तो ढक के पकाने से ही झाग बनेगा और झाग में ही रसगुल्ला पकेगा। अगर आपका झाग से नहीं डूब रहा है रसगुल्ला तो समझिए कि रसगुल्ला नहीं बना। तो इसको एकदम ढके रहेंगे और कम से कम इसे हमें 20 मिनट पकाना है। तो ये 5 मिनट हो गया और 5 मिनट के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों 10 मिनट हो चुका है। अब हमारा रसगुल्ले का साइज देखिएगा, एकदम जम्बू साइज रसगुल्ला हम बना रहे हैं, देख सकते हैं। इसमें सारा बड़े बड़े रसगुल्ले हैं। तो इसको अभी छेड़ेंगे नहीं ज्यादा, इसको एक बार इस तरह चला देंगे। 5 मिनट के बाद नहीं, 10 मिनट के बाद चलाना है। 6-7 मिनट तक पकाना है, तब इस सीटी हटा के इसको, और आप 6-7 मिनट बंद करके भी पका सकते हैं इस तरह से। अब 6-7 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको एक ही बार। आज ज्यादा तेज नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं, ये 15-16 मिनट हो गया है मेरा रसगुल्ला को बनते हुए। कुकर का ढक्कन हटाते हैं
तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा रसगुल्ला बना हुआ है। अब इसको ये देखना है कि ये पका है कि नहीं। पका कैसे चेक करेंगे, तो देखिए हम इसमें हम पानी दिए हैं, और इसमें हम पानी दिए हैं, तो इसको हम बड़े रसगुल्ले ही बनाए हैं और छोटे बनाए हैं, तो इसमें हम पानी दिए हैं तो हम पानी में डालते जाएंगे इस तरह से। अगर ये डूब गया तो समझ लीजिए कि रसगुल्ला आपका पक गया है, अगर ये ऊपर रहता तो समझ लीजिए कि ये नहीं पका है। तो हमारा रसगुल्ला पक गया है, तो अब इसको हम इतना पानी दिए थे तो पानी कम कर देंगे, थोड़ा सा हमें पानी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, तो पानी इसको कम कर दे, और इसमें हम छोटे बड़े जो भी रसगुल्ला बनाए हैं इसको डालते जाएंगे। और ये अभी ये सर्विंग के लिए तैयार नहीं है, आप छोटा बड़ा कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना गोल गोल बना पड़ा है, तो इसको हम सर्विंग इसका हम बाद में करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम काट के आपको। पूरा जूस से एकदम भरपूर है, देखिए आपको काट के दिखा रहे हैं कितना ये सॉफ्ट बना है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसका जाली देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ये जालीदार हुआ है, ये देखिए कितना इसमें जाली है, देख सकते हैं आप, पूरा रस एकदम भरपूर है देखिए। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे हम लिए हैं 1.5 कप दूध, 1.5 कप दूध के बाद हम लिए हैं 1/4 कप यह देसी घी, और यहाँ पे है 1/2 कप। यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे 1/2 कप, इसी में डालेंगे 1/4 कप देसी घी, इसको बढ़िया से हम मिला देंगे, बढ़िया से मिक्स हो जाए, तो इसी में डालेंगे हम जो दूध दे रखे हैं वो। जितना लम्स दिख रहा है ना आपको, ये जब हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे ना तो सब खत्म हो जाएगा। चलिए चूल्हा जला देते हैं, इसको धीरे आंच पे ही 3-4 मिनट हमें भूनना है, इसका आंच तेज नहीं करना है, ये सारा लम्स खत्म हो जाएगा, एक डो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बराबर चलाते रहना है, आंच धीरे रखना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। चारों तरफ से खुला खुला मुंह होता है तो चलाने में आसान होता है, हम तो कढ़ाई में ही बनाते हैं, इस वजह से कढ़ाई में ही बना रहे हैं। तो इसको हमें ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट में ये डो हमारा बन के तैयार हो जाता है। ध्यान रखना है आंच एकदम धीरे रखना है, नहीं तो ये जल गया ना डो, फिर आपका गुलाब जामुन टेस्टी नहीं बना। ये देखिए एक डो की तरह हो गया है, बस इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, इसे एक बर्तन में निकाल देंगे, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। इधर कढ़ाई बैठा देते हैं, कढ़ाई में डालेंगे 250 ml पानी, और इसमें डालेंगे 3 पाव यानी कि 750 ग्राम चीनी। यहाँ पर हम 4 इलायची दिए हैं, इसको दरदरा कूट देते हैं, इसी में डाल देंगे। आपके पास अगर केसर है तो डालें, नहीं तो हल्का सा पीला फूड कलर भी आप डाल सकते हैं। इसमें 8-10 धागे हम केसर के डाल देते हैं, थोड़ा कलर बहुत बढ़िया आता है। चाशनी हमारा इधर पक रहा है, एकदम धीरे आंच है, जब तक हम डो तैयार कर देते हैं। यहीं पे डालेंगे हम बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून से कम, इसी में पानी दूध गुलाब जल जो भी आप डालना चाहते हैं यहीं पे डाल दें 1-2 बूंद, और इसको मिला देंगे इस तरह से, इससे क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है बढ़िया से। अब यहीं पे डालेंगे हम 4 टेबल स्पून के करीब मैदा, और इसे खुले बर्तन पे इस तरह करके हम इसको मिलाएंगे। ये हल्का सा जो डो हमारा है वो गर्म ही होना चाहिए, नहीं तो ये बढ़िया सा मैश नहीं होगा। ये टोटल जो मैदा हम डाल रहे हैं ना, ये 4 टेबल स्पून ही मैदा है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं। आपको लगे कि चीनी आपका फिल्टर नहीं है, मतलब चाशनी साफ नहीं है, तो इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल के एक बार खौला लेंगे, तो जितना उसमें का गंदगी रहेगा वो निकल जाता है। हमने चीनी जो यूज किया वो फिल्टर है, तो इस वजह से गंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। और निकालने के बाद इसे हम ढक के रखेंगे चाशनी। तो इसका एक लोई अब बनाने के लिए इसको हाथों पर इस तरह से मसलना होगा, इस तरह से देख रहे ना, देखिए हाथों पर इस तरह से मसल के तब इसको गोल करना होगा। पहले हाथ को टाइट रखें और उसके बाद धीरे धीरे लूज करके इसका गोला एकदम गोल बना दें। इसमें क्रेक नहीं होना चाहिए, अगर क्रेक है तो हल्का सा और दूध डाल के और इसको बना सकते हैं। तो सारा लुई हम इसी तरह बना देते हैं, पहले हाथों से बढ़िया से इसको मसलेंगे, मसलने के बाद हल्का हल्का हाथ को ढीला करेंगे, इस तरह से ढीला करते 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 इसको गोल कर लेंगे। ये देखिए तो सारा गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया है। तो चूल्हे पे एक कढ़ाई बैठा देंगे और इसमें रिफाइन ऑयल डाल देते हैं। तेल हमारा बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं ये ट्रायल पीस डाल रहे हैं इसमें, तो देख रहे हैं इसमें से ध्यान से देखिएगा तो बुलबुला इसमें आ रहा है, देखिए ये देख रहे हैं हल्का सा बुलबुला आ रहा है, इसका मतलब कि तेल हमारा गर्म हो गया। तो हमें इतना ही तेल गर्म पे डालना है गुलाब जामुन को। अगर एक बार में आपको डालना है गुलाब जामुन तो बहुत सारा तेल चाहिए। एकदम हम धीरे फ्लेम रखे हैं एकदम, और इसको घुमाते रहेंगे इस तरह से, तो देखिए आँच धीरे रखे हैं, और ये सारा गुलाब जामुन देख रहे हैं ऊपर आ गया है, मैंने ये तल्ला छोड़ दिया है। अब अपने आप ये अलट पलट के पकेगा, अगर नहीं पकेगा तो आपको अब क्या करना है कि इस तरह से चलाते रहना है, इस तरह से ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, और इसको अब आँच थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कर देंगे हम, और इसको इस तरह से हम घुमाते रहेंगे। हल्का सा आँच तेज करिए, ज़्यादा आँच तेज नहीं चाहिए, हल्का आँच तेज चाहिए, और ये जितना चाहिए हमें या आपको उस तरह से आप गोल्डन ब्राउन इसको कर लें।
तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक गुलाब जामुन तो देखिए जितना बड़ा हम साइज डाले थे उससे दो गुना हो गया है। और आपको कौन सा मिठाई पसंद है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपको बताना है कि आपको कौन सा, मतलब इस तरह का कलर पसंद है, इससे डार्क पसंद है। और साइज तो देख ही रहे हैं कितना बड़ा बड़ा साइज हो गया एकदम। अब यहाँ आपको फटाफट क्या करना है, कढ़ाई को उतारना है नीचे, क्योंकि हमें तेल ठंडा चाहिए दोबारा चक्कर डालने के लिए। यहाँ पे एकदम फटाफट निकालना है और चाशनी थोड़ा गर्म होना चाहिए, बस यहीं पे इसको डाल देना है। और डालने के बाद फटाफट इसे चाशनी एब्जॉर्ब कराना है, देख रहे ना इस तरह से। अभी देख रहे हैं एकदम ऊपर ऊपर सा गुलाब जामुन है एकदम चाशनी के ऊपर, और ये थोड़ी देर में देखेंगे ना तो ये चाशनी पी के हो जाएगा एकदम नीचे। देख रहे कितना बेहतरीन गुलाब जामुन बना है। इसको फिर हम ढक देंगे चाशनी को और तेल को बिल्कुल कर देंगे ठंडा। तेल आपको कैसे पता लगेगा कि ठंडा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे ना हम दो छोटकों को बना रखे थे इसी वजह से फ्राई करने के लिए। तो फिर इसको धीरे आंच पर रखेंगे, इसको भी घुमा घुमा के हम पका लें। जब ये फिर गोल्डन ब्राउन हो जाता है फिर आपको दिख, तो ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये नहीं कि हम ही जो घुमाते हैं, हलवाई लोग को भी आप देखिएगा तो उसको घुमा घुमा के ये लोग पकाते हैं, ये इसका कलर इक्वल आए बस। तो इसको भी उसी की तरह हमें गोल्डन ब्राउन कर देना है, आप डार्क भी कर सकते हैं। इसको एक चक्कर बनाने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगता है। तेल देखिए हमने तेल कढ़ाई में ज़्यादा रखा है, बिल्कुल कम तेज में ही मत बनाइएगा, नहीं तो आपस में टकरा के साइज उसका बड़ा नहीं होगा। तो इसे भी हम निकाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा हम डार्क कर दिए हैं, ज़्यादा नहीं डार्क किए हैं, हल्का सा। ये आपका गुलाब जामुन बन के हो गया है तैयार, लेकिन अभी सर्विंग करने के लिए तैयार नहीं है। सर्विंग करने के लिए हमें कम से कम 2 घंटा चाहिए, तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं 2 घंटा के लिए और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए आधा घंटा हो गया है बनाए हुए गुलाब जामुन, और हम लोग का लंच का भी टाइम हो गया है। और देखिए गुलाब जामुन किस तरह से पूरा जूस पीपी के अंदर तक और ये बैठा हुआ है। तो एक गुलाब जामुन हम निकाल देते हैं प्लेट में और आपको दिखाते हैं कि ये बना कैसा है। तो अभी गुलाब जामुन को हम काट के दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और यहीं पे हम 100 ग्राम चीनी दिए हैं और 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर दिया है। इस बिल्कुल कम सामग्री से हम बनाएंगे मिल्क केक और बाजार से अच्छा। ये देखिए 2 किलो हम मिल्क केक के लिए दूध फुल क्रीम जो दिए हम कढ़ाई में डाल देते हैं। ये कढ़ाई हमारा लोहे का है, तो हम लोहे कढ़ाई में बना रहे हैं कि ताकि ये हेल्दी हो। दूध को हम खौला देंगे, कम से कम आधा घंटा लगता है इस दूध को खौलाने में। गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे और ध्यान रखेंगे ऊपर मलाई ज़्यादा ना जम पाए, और नीचे से तले में जिस भी चीज़ से आप चला रहे हैं उस चीज़ से बढ़िया से चलाएं नीचे से लगा के। देखिए हमारा दूध 1-2 किलो का 1 किलो हो चुका है। इसी में हम नींबू का जूस डाल देते हैं, जो आधा नींबू हमने लिया था के खरीदते हैं, तो देखते हैं कितना दानेदार होता है। तो दानेदार बनाने के लिए हम जब दूध आधा बच जाता है तो उसमें हम डालते हैं ताकि ये दानेदार हो जाए, और दानेदार होने के बाद उसका टेक्सचर मिल्क केक का बहुत बढ़िया लगता है। तो इस वजह से हम इसमें नींबू डाले हैं, और देखिए हमारा दूध लगभग दानेदार हो रहा है। अगर इसमें आप आधा नींबू डाले हैं और दाना नहीं हुआ है आपका, तो आधा नींबू और भी डाल सकते हैं, या इसके बदले 1 चम्मच विनेगर भी डाल के इसको दानेदार बना सकते हैं। दूध लगभग आधा से भी कम हो चुका है, तो यहीं पे हम चीनी डाल देते हैं। चीनी आपको जितना मीठा पसंद हो उतना डाल सकते हैं, हमने 100 ग्राम डाला है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो 150 ग्राम भी डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो 80 ग्राम भी डाल सकते हैं। ये देखिए हम एक केक टिन लिए हैं, इसमें हम घी डाल के और इसको ग्रीस कर देते हैं बढ़िया से। और यहीं पे हम एक बटर पेपर उसी साइज का लिए हैं, उसको भी इसी में डाल देते हैं। आपके पास बटर पेपर हो तो लगा लें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आपका भी मिल्क केक बढ़िया बन जाएगा। और इसके ऊपर भी हम हल्का हल्का ग्रीस कर देते हैं। इधर हमारा मिल्क केक के लिए टेक्सचर तैयार हो गया है, और गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है, और इसको गरम गरम में ही हम 1-2 बार चला लेंगे और गरम गरम में ही निकाल के हम मिल्क केक टिन में इसको डाल देंगे। ठंडा होने के बाद ये फिर जिस हिसाब का आप शेप चाहते हैं उस हिसाब का नहीं बन पाता है, इसको गरम गरम में डाल के जिस शेप में इसको चाहेंगे गरम गरम में इसको इस तरह से नीचे, और इसको बढ़िया से बराबर कर दें किसी भी चम्मच से,
अगर ये आपका चम्मच में चिपक रहा हो तो हल्का हल्का पानी लगा सकते हैं इसमें, और देखिए किस तरह से हमने इसको प्लेन कर दिया है। अब इसी में आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालना हो आप डालें। हमने इसमें पिस्ता से गार्निश किया है, और देखिए चम्मच के सहारे इसको हम चिपका देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। गरम गरम में ही चिपक जाता है, ठंडा होने के बाद ये नहीं चिपक पाता है जो भी आप ड्राई फ्रूट लगाते हैं। और यहीं पे एक फॉल पेपर से इसको हम ढक देते हैं, इसको बढ़िया से हम लॉक कर देंगे ताकि इसमें का जो गर्माइश है वो अंदर ही रहेगा और हमारा मिल्क केक बढ़िया से जम जाएगा। 6-8 घंटे के बाद हमने मोटा कपड़ा हटा दिया है और ये फॉल पेपर को हम निकाल देंगे। और देखिए हमारा बेहतरीन मिल्क केक जम के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया मिल्क केक बना है। अगर हमारी ये वीडियो मिल्क केक की पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।